की ज्या स्टेजमध्ये आपले आई वडील आहे ते स्टेज आपल्यावर पण येणार आहे तो नाही तो माया कहते ना उसको उसको माया कहते भूल जाते वो माया है कि नहीं। जब मैं गरीब था मैं जब आम इंसान की तरह नौकरी करता था मेरे को हर महीने में वो पेट्रोल कैसे डालना गाड़ी को कार कैसे लेना वो सवाल था वो उसका कर्जा कैसे देना बल्ला मारने के लिए पैसा कहाँ से लाना तो सवाल थे वो मैं दिन भूल जाता हूँ जब मैं करोड़पति बन जाता हूँ उसमें आपने दो बातें जो मैं सेना बन जाता हूँ अरे मैं साला में तो मेरा अंदर जला था क्यों आणि सगळ्यांनी त्याच्यात काय म्हटलं सक्षमीकरण म्हणजे आजच्या मॅसेजमध्ये किंवा मी माझ्या मुलांना फक्त त्यांना रस्ता सांगितला आहे आणि हा मार्ग सांगितला हा मार्ग आता याच्यानंतर तुम्ही फक्त डोळे उघडून चला तुम्ही बरोबर करा आणि तेच आपल्याला अवलंबायचं। बच्चेने बोला की मेरे को मतलब ये करना है वो करना मतलब करो वो दसवीं में बारहवीं में उसने कोई स्टडी नहीं किया कुछ स्टडी नहीं किया फिर भी मैंने कभी उसको प्रेशर नहीं लगा कि यार तू क्यों नहीं करता तू क्यों नहीं स्टडी करता। हाँ मैं उसको समझा था कि तू अभी टाइम है तेरा स्टडी करने होना बस इतना अभी भी। उसके बाद में बच्चे ने बोला मेरे को सीए करना है बोलो कर। उसके बाद बोले नहीं मुझे एमबीए करना है बोलो कर। अगर दूसरा पिताजी होता वो बोलता तुम सीए में मेरे 1.5 लाख रुपए डाले मेरी इज्जत खराब कर दी सब जगह तू तेरी काय की इज्जत यार जो बनी ही नहीं कभी उसकी इज्जत हो गई तुम्हारी तो लोग क्या करते दिमाग में डालते कि नहीं उसने सीए ही बनना चाहिए क्यों क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ मेरे लड़के भी इतने बड़े हो गए क्यों। वो बोले एमबीए करना करो अरे तुम्हारे लाइफ है एंजॉय करो ना पिताजी कमा रहे तो करो एंजॉय झूठी प्रतिष्ठा की जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम भी कर्तृत्व करो तुम भी करो कृति बनाओ। लेकिन अभी तो है ना बच्चे तो जीने दो उनको ठीक है ना लेकिन वो इंसान तो है ना। आज वो क्या बोलती है पापा आप जिधर कहोगे उधर मैं शादी करूँ ये कितनी बड़ी बात है। वो खुद कहती है वो खुद सुबह आती है पाँव छूती है एमबीए की लड़की हर दिन किसके घर में पाँव छूती है। हाँ बच्चा एक एक भी चीज़ बगैर पूछे नहीं करता हो गया सर। हाँ तो इससे बड़ी क्या बात चाहिए असली बात है। उसको पूरा फ्रीडम दे दिया है ना अपने जीवन को खिलाओ मतलब बढ़ाओ निखारो खिलने दो तो ऐसे ही बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा आठवीं में था तो वो कार चला था छुप छुप के मैं क्या किया उसके साथ में बैठ गया जब मेरे सामने चला क्या बात है नहीं तो मेरे बगैर गलती करेगा तो एक्सीडेंट करेगा लोगों को तकलीफ देगा मेरे साथ में चला तो क्या गलती करता मैं तुझे बताता हूँ। मतलब बच्चों का पालन पोषण करो उसका पालक बनो मालक मत बनो क्या बात है सर पालक बनो मालक मत बनो मालक और मालक का फर्क जियो और जीने दो।